हाय गाइस, मेरा जोर आप देख रहे हो टेक्निकल एचआर। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंटरनेशनल कुरियर चार्जेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हो इंटरनेशनल कुरियर चार्जेस के बारे में तो इस वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक, जरूर ये वीडियो देखते रहिए, जरूर आपको पता चल जाएगा इंटरनेशनल कुरियर चार्जेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं इंटरनेशनल कुरियर चार्जेस। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरनेशनल कुरियर चार्जेस लिया कैसे जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इंटरनेशनल कुरियर चार्जेस जो लिया जाता है वो लिया जाता है कंट्री वाइज, आप कौन से कंट्री में भेज रहे हो, ठीक है। अगर पकड़ लो आप अमेरिका भूटान भेज रहे हो तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, भूटान में कम लगेगा, और अगर आप अमेरिका भेज रहे हो तो इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको लगेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बेसिक जो चार्ज है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपको जानना है कोई भी कंट्री में अगर भेजना है पार्सल और उसका चार्ज अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, केजी लिखिए और कंट्री लिखिए, आपका एग्जैक्ट चार्ज कितना होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं एक कॉमन चार्ज आपको बता रहा हूँ, जैसे भूटान में अगर आप भेज रहे हो इंडिया पोस्ट के थ्रू तो आपको 800 से 1000 रुपया देना पड़ेगा पर केजी। अगर आप अमेरिका भेज रहे हो तो 1500 से 2000 के बीच में आपको लग जाएगा, ठीक है। कोई भी कुरियर सर्विस हो, इंडिया पोस्ट हो चाहे प्राइवेट कुरियर सर्विस हो, कॉम मतलब सेम ही रहता है, सिमिलर रहता है, थोड़ा 500 या 200-300 के बीच में डिफरेंट रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, ठीक है। तो गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल कुरियर चार्जेस कैसे लिया जाता है और कितना लिया जाता है। अगर आपको दूसरे कंट्रीज़ के बारे में जानना है, पकड़ लो रसिया भेजना है, नेपाल भेजना है आपको, और आपको अलग अलग काउंट्री में भेजना है जैसे कि यूके भेजना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, काउंट्री का नाम लिखिए और केजी बताइए, आपको मैं एग्जैक्ट केजी का प्राइस जो है वो चार्जेस जो है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मैं एवरीडे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी वीडियोस लेके आते रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रेस्पेक्ट योर वैल्यूएबल टाइम।